एक समय था जब क्रिकेट में खिलाड़ियों को किसी टीम से सबसे ज्यादा डर लगता था, तो वो थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। कुछ याद आया? नहीं आया? ये तस्वीर देख लीजिए। अब याद आया? कोई नहीं, दोबारा देख लीजिए। अब तो याद आ ही गया होगा। जी हाँ, 1999 वर्ल्ड कप विजेता, 2003 और 2007, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल हैं जिन्हें क्रिकेट के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1999 से लेकर 2007 तक ये वो टीम थी जिसके साथ खेलने से पहले ही कुछ टीमें अपनी हार तय कर लेती थी। रिकी पॉन्टिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, तो वहीं ब्रेटली से लेकर ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉन। ऑस्ट्रेलिया की ये वो लाइनअप थी जिसे कोई भी अपने प्लेइंग 11 में आज भी शामिल करना चाहेगा। लेकिन समय गुजरता गया और टीमें भी। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर एक दो खिलाड़ी को छोड़ दें तो कोई ऐसा नहीं जो इस टीम को फिर से पुरानी ऑस्ट्रेलियाई टीम बना सके। ऑस्ट्रेलिया टीम में हमेशा कोई खिलाड़ी या कप्तान ऐसा रहा है जिसने एग्रेसिव खेला या कप्तानी की, लेकिन आज इन सबकी जगह भारत के सिर्फ एक खिलाड़ी और कप्तान ने ली है। नाम है विराट कोहली। आज इस कप्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसी भूख और आक्रामकता दिखती है। नतीजा, 2016 से कप्तानी संभालने के बाद वनडे और टेस्ट को मिलाकर लगातार 10वीं सीरीज जीती। भारत को इससे पहले कोहली जैसा अगर कोई कप्तान मिला था तो वो थे सौरव गांगुली, लेकिन विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया और यहां तक सौरव गांगुली से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। पिछले कुछ समय में विराट कोहली की सोच ने भारतीय टीम पर काफी असर डाला है। टीम के दूसरे खिलाड़ी भी कोहली जैसे अप्रोच दिखा रहे हैं और मैदान पर पूरी टीम एक यूनिट की तरह दिखती है। वहीं फिटनेस में भी कोहली किसी से कम नहीं। आज की भारतीय टीम अलग है। बड़ी टीमों के साथ खेलने के साथ इस टीम का नजरिया भी बदल चुका है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जाता है। धोनी ने भारतीय टीम को जीत के अलावा हार को भी एक अलग अंदाज में झेलना सिखाया है, जिसका फायदा कोहली को हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को कभी हार ना मानने वाली टीम माना जाता था, लेकिन आज ऐसा कारनामा भारतीय टीम कर रही है। अगर ओपनर्स आउट हो जाएं, तो मिडल ऑर्डर संभालने वाले खिलाड़ी हैं, तो वही टेल एंडर्स भी अब बल्लेबाजी और टीम को जिताने का दमखम रखते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है श्रीलंका के खिलाफ 8वें विकेट के लिए धोनी और भुवनेश्वर की 100 रनों की पार्टनरशिप। 10 साल पहले जो भारतीय टीम डिफेंसिव अप्रोच के साथ मैदान पर उतरती थी, वो आज सिर्फ जीतने के लिए मैदान पर उतरती है। भारतीय टीम ने अपनी जमीन पर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को धूल चटाई है। तो वहीं पिछले कुछ वक्त से ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, वेस्ट इंडीज को उसी के घर पर धूल चटाई, श्रीलंका को उसी के घर में व्हाइट वॉश किया। ये रिकॉर्ड जीत कुछ ऐसी जीत है जिससे भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से दूसरी टीमों पर काफी मजबूत पकड़ बनाई है। उससे धोनी और विराट कोहली ने इस टीम के स्वर्ण काल का प्रारंभ किया है।